और हमें शादियों में बहुत सारे कपड़ों की जरूरत होती है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आउटफिट्स की जरूरत होती है। और अगर बात करें ठंड के मौसम की, ठंड की शादियों की, तो हमें ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि हम ऐसे कपड़े पहने जिसमें हमें ठंड भी ना लगे और हमारा स्टाइल भी पूरा हो जाए। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली विद प्रिया में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ विंटर वेडिंग आउटफिट्स आइडियाज, जो कि आप लोग आने वाले वेडिंग में स्टाइल कर सकते हैं। विंटर्स की शादियों का हमें खास ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि हम बीमार भी पड़ सकते हैं अगर हम ख्याल ना रखें तो। और शादियाँ अधिकतर बाहर ही होती हैं, ये तो आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा। तो इसका ख्याल रखते हुए हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे हम ठंड से बचे रहें और हमारा स्टाइल भी पूरा हो जाए। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं जितने भी आउटफिट्स आपको बता रही हूँ वो सारे मिक्स एंड मैच करके मैंने स्टाइल किए हैं और तैयार किए हैं और काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं। और इनके साथ मैंने ज्वेलरीज को पेयर किया है और डिफरेंट तरीके हेयर स्टाइल भी रखे हैं। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से पता चलेंगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि कौन कौन से आउटफिट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जिसे आप आने वाली वेडिंग में स्टाइल कर सकते हैं। बात करूं अगर फर्स्ट आउटफिट की, तो उसके लिए मैंने एक चिकनकारी कुर्ते को लिया है। काफी अच्छा कुर्ता है ये, ब्लैक कलर का और काफी थिक मटेरियल है जो कि आपको ठंड से बचाएगा। और इसके साथ मैंने एक स्कर्ट को वेयर किया है, ब्लैक कलर की स्कर्ट। और डार्क कलर मैंने लिया है क्योंकि ठंड में डार्क कलर काफी हेल्प देता है, हमें ठंड से बचाता भी है। और इसके नीचे आप लोग लेगिंग्स पहन सकते हैं, वार्म लेगिंग्स आती हैं, थर्मल पहन सकते हैं जो कि आपको ठंड से और अच्छे से बचा सकता है। और साथ में मैंने एक हैवी दुपट्टा लिया है, आप लोग देख सकते हैं ये बंधे दुपट्टा है जो कि इसे पूरा कंप्लीट लुक दे रहा है। और इसके साथ मैंने जिस ज्वेलरी को पेयर किया है वो एक स्टेटमेंट इयररिंग्स है। गले में मैंने कुछ नहीं पहना है क्योंकि इतने से ही काफी अच्छा लग रहा है, इसका लुक काफी अच्छा आ रहा है। और इसे भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं विंटर्स की वेडिंग के लिए। तो ये मेरा फर्स्ट लुक है और काफी अच्छा लगता है। जो ये और मैं बहुत जगह इसे स्टाइल भी कर चुकी हूँ और आगे भी करती रहूंगी क्योंकि काफी अच्छा लगता है। और ये है अनारकली फ्लोर लेंथ कुर्ती और इसे मैंने एक स्कर्ट के साथ वेयर किया है ताकि और अच्छा लुक आए और ठंड से भी बचता है। एक्चुअली जितनी लेयरिंग आप करोगे कपड़ों के नीचे उतना ज्यादा आप ठंड से बचोगे। तो आप लोग भी इस तरीके से पहन सकते हैं और चाहे तो आप इसके अंदर वार्म थर्मल या लेगिंग्स पहन सकते हैं, जो भी आप लोग अपने हिसाब से। और इसके साथ मैंने एक हैवी दुपट्टा पेयर किया है, हैवी दुपट्टा भी हमें ठंड से बचाता है। आप लोग इस तरीके से भी स्टाइल कर सकते हैं दुपट्टे को अपने, और कोई भी दुपट्टा ले सकते हैं। बस कोशिश करिए कि दुपट्टा अगर हैवी है तो सूट इसी तरीके का लें जो कि अच्छा लुक देगा। और इसके साथ जिस ज्वेलरी को मैंने पेयर किया है वो स्टेटमेंट इयररिंग्स है। गले में मैंने कुछ नहीं पहना है क्योंकि स्टेटमेंट इयररिंग ही काफ़ी अच्छी लग रही है इसके साथ, तो मैंने बस उतना ही पहना है। और साथ में मैंने मैचिंग बैंगल्स पहने हैं, वॉच पहनी है और नीचे हाँ मैंने बूट पहने हैं। इसमें दिख नहीं रहे लेकिन मैंने बूट पहना है और जो कि आपको ठंड में बचाएगा क्योंकि पैरों में हमें काफ़ी ठंड लगती है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए कि जो भी आउटफिट मैं आपको दिखा रही हूँ उसके अंदर आप कुछ भी अंदर वार्म पहन सकते हैं या लेयरिंग कर सकते हैं जिससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी और ठंड से भी हमें बचाएगा ये सारी चीज़ें। तो ये मेरा सेकेंड लुक है जिसे आप लोग स्टाइल कर सकते हैं वेडिंग्स में। Thank you.
बात करूं तो हम कोशिश करते हैं कि हर शादी में इस तरह की आउटफिट हम जरूर पहने और काफी अच्छा लगता है ये, मुझे भी काफी पसंद है एक्चुअली। और बस इस चीज का ध्यान रखें कि ठंड है तो ठंड के हिसाब से इसको स्टाइल करें, और मैंने इसीलिए ठंड का ख्याल रखे इसको लहंगा लुक दिया है। तो आप लोग भी इस तरीके से एक लहंगा लुक क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप लोगों के पास इस तरह का कोई टॉप है या हाईनेक टॉप कोई किसी भी कलर का तो मैच करके आप लोग इस तरीके से भी स्टाइल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने हाईनेक टॉप लिया है ब्लैक कलर का, मैंने पहले भी आपको बताया है कि ब्लैक कलर का हाईनेक टॉप है इसे जरूर लीजिए, या कोई भी कार्डिगन या इस टाइप से तो काफी यूज आता है, बहुत जगह मिक्स एंड मैच हम उसको कर सकते हैं, बहुत सारे कपड़ों के साथ बहुत सारे कलर्स के साथ मिक्स एंड मैच हो जाता है वो। तो इसके लिए मैंने इसे पूरा ब्लैक लुक दिया है, काफी अच्छा लग रहा है आप लोग देख सकते हैं, और रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने इसके साथ एक दुपट्टा रखा है रेड कलर का। और साथ में मैंने ज्वेलरी जो पेयर की है वो है कुंदन नेक पीस है ये, और काफी अच्छी लगती है कुंदन नेक पीस, वैसे भी सभी कपड़ों के साथ मैच कर जाती है बहुत इजीली। तो और मैचिंग ईयरिंग्स है, और हाथ में मैंने मैचिंग बैंगल्स पहने हैं, और इसके साथ मैंने इसके नीचे भी बूट्स पहने हैं, हाई हील बूट्स हैं, जो कि क्योंकि स्कर्ट्स मेरी स्कर्ट काफ़ी लंबी है तो इसे अच्छा लुक देने के लिए थोड़ा हाई हील रखना जरूरी है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा लुक आ रहा है, तो इस तरीके से भी आप लोग स्टाइल कर सकते हैं। तो ये मेरा थर्ड लुक है जो कि आप लोग विंटर वेडिंग्स में आने वाली शादियों में स्टाइल कर सकते हैं। बात हो अगर शादी की है और उसमें साड़ी स्टाइल ना करें कैसा हो सकता है ये, इसलिए मैं आप लोगों के लिए आज भी एक साड़ी का स्टाइल जरूर लेके आई हूँ, इसे भी आप लोग स्टाइल कर सकते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखिए, जैसे मैंने बताया है मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से आप साड़ी को स्टाइल करिए किसी भी शादी में, खासकर विंटर की शादी में इस तरीके से अगर आप स्टाइल करते हैं तो आप ठंड से बचे रहेंगे। और कोशिश करिए कि इस तरीके का अगर जैकेट है, एथनिक जैकेट आपके पास, और तो इस तरीके से स्टाइल करते हैं तो अंदर लेयरिंग भी कर सकते हैं आप, कुछ वार्म थर्मल या कुछ भी आप लोग अपने हिसाब से पहन सकते हैं जो कि काफी ठंड से बचाएगा आपको। और नीचे आप वार्म लेगिंग्स पहनिए, और मैंने इसके नीचे भी बूट पहने हैं तो आप लोग भी बूट पहन सकते हैं अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, मैंने हाई हील पहने हैं, आप लोग चाहें तो ब्लॉक वाले आते हैं ब्लॉक्स वाले वो पहन सकते हैं, तो इस तरीके से आप पहनिए। और मैंने इसके साथ एक एथनिक बेल्ट ली है और ये काफी अच्छा लुक दे रही है इसको, साथ में मैंने इसके भी कुंदन नेक पीस पहना है, मैचिंग ईयरिंग्स पहने हैं, मैचिंग बैंगल्स पहने हैं, बिंदी लगाई है जो कि पूरा ऐसे कंप्लीट लुक देना है। और शादी में आप लोग इस तरीके से अगर स्टाइल करते हैं तो ये काफी अच्छा भी लगता है। तो ये मेरा फोर्थ और लास्ट लुक है जो कि आप लोग ट्राई कर सकते हैं विंटर्स की वेडिंग में। Thank you.
मैंने आउटफिट बताए आज के वीडियो में आपको। आई होप आप लोगों को इससे काफी हेल्प मिलेगी। और भी बहुत सारी जो भी मैंने आपसे बातें की या चीजें बताई मैंने कि किस तरीके से आप ठंड से बच सकते हैं, इन कपड़ों को पहनने के साथ साथ और भी बहुत सारी बातों का ख्याल रखिए जिससे आप लोग शादियों में बच के और इस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं और शादियों को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए और बताइए मुझे अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो, और अगर वीडियो ज़्यादा पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और नीचे जो बेल आइकन आता है उसे भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली और भी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेंगी। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका आईडी है सिंपली लाइव प्रिया, तो वहाँ भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा, बाय बाय।